सो हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कापेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या टाटा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं टाटा कार्स के बारे में, एंड टाटा कस्टमर क्या सोचते हैं कि टाटा का कार्स कितनी रिलायबल है, एंड क्या वो दोबारा से टाटा की कार्स की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। सो आज की वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे। टाटा पंच को मैं एक साल हो गया मुझे ऑन करते हुए। हरीश टाटा नेक्सॉन 2 का साल से चला रहा है, एंड आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है टाटा की कार्स के बारे में। एंड जो लोग बोलते हैं कि टाटा की कार्स में रिलायबिलिटी इशू है, टाटा की कार्स इंजन टाइम के साथ साथ टाटा की कार्स के इंजन में इश्यूज आते हैं, तो हमारे को क्या इश्यूज फेस हुए इस कार में, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। एंड तो शुरू करते हैं वीडियो, एंड देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इशू फेस किए। सो यार, अगर मैं हरीश तुमसे पूछूं यार कि 2 साल में तुझे कितने इश्यूज आए टाटा नेक्सॉन में? अगर मैं सही बोलूं तो मुझे जो टाटा की तरफ से है, मतलब जो गाड़ी जो मेरे को मिली थी उसमें ज्यादा कार issue, मतलब तेरे हाँ, क्या तेरी कार में कोई इशू आया 2 साल में? इश्यूज आए हैं, पर जो मैंने टाटा के जो बोलते हैं आपके सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर नहीं, आपके शोरूम से जो मैंने एस सीरीज लगाई थी उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। मतलब आफ्टर मार्केट जो काम तूने करवाया है, आफ्टर मार्केट नहीं कह सकते, मतलब उसको शोरूम से तूने करवाया, बट शोरूम से जो भी मैंने करवाया उसमें इशू आए हैं। और एक इशू मेरा तब आया था जब मेरी सेकंड सर्विस हुई थी, जिसमें मैंने कहते टाटा मतलब उनको कहते पिकअप करवाई थी गाड़ी, तब मेरी एक बार इशू आया था। उसके अलावा मेरा कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया। मोस्ट प्रोबब्ली उन्होंने सारी चीजें रिजॉल्व करी हैं टाटा सर्विस सेंटर ने। सो गाइस, आज की वीडियो में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी हम पॉइंट्स रेज कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड जो हमने एक्सपीरियंस किया है अपने इस टेन्योर में हम वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे को भी 1 साल हो गए हैं टाटा पंच ऑन करते हुए, एंड मुझे अभी फिलहाल कार में ऐसा कोई इशू नहीं आया है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी इसके जो इसके नॉइज एनवीएस लेवल से रिगार्डिंग कि कार में कितना नॉइज रह गया है 1 साल के बाद, तो जो मैंने बनाई थी उस वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था कि जो नॉइज मुझे पहले आ रहा था अभी भी उतना नॉइज है कार में। तो इतना ऐसा नहीं है कि कार का एनवीएस लेवल बहुत बढ़ गया हो 1 साल के टाइम पे, तो जितना पहले था उतना ही अभी भी है। और ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि कार में बिल्कुल वाइब्रेशन और नॉइज़ नहीं है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन और नॉइज़ है बिकॉज 3 सिलेंडर कार है तो उतनी रहेगी। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कार में आया है बड़ा है जो नॉइज़ और वाइब्रेशन का इशू? हालांकि मैंने चेक नहीं किया कि कभी फील होता है कार चलाते समय कि नॉइज़ बढ़ गया हो कार का, या कभी भी इतने टाइम से चला रहे हो तो कभी फील होता है कि जब शुरू में ली थी तब कम था और अब बढ़ गया है, ऐसा कुछ? एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट कार थी तो मुझे आइडिया ही नहीं लगा अभी तक कि कहते हैं, क्योंकि देखो जो फर्स्ट टाइम ओनर होते हैं उनको उनको गाड़ी में इतना ज़्यादा साउंड का पता नहीं चलता, स्पेशली 3 सिलेंडर इंजन में या 4 सिलेंडर इंजन। ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन और 3 सिलेंडर इंजन की नॉइज़ का उसी को पता चलता है जो काफ़ी टाइम से कहते हैं मल्टीपल कार्स यूज कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बात करी यार हरीश ने, और बिल्कुल सही पॉइंट बताया है कि बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम बाय कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता चलती बिकॉज उन्होंने उससे पहले कोई ऐसी कार यूज़ नहीं करी होती, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कितना नॉइज़ रहता है एक 4 सिलेंडर कार और कितना नॉइज रहता है एक 3 सिलेंडर कार में। yes. बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे को जो कार का एनवीएस लेवल है अभी भी उतना ही है, वो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। बट हाँ, मैंने जैसे एक लास्ट वीडियो बनाई थी जो BS6 Phase 2 कंप्लाइंट जो इंजन आए हैं हमने, उनमें ये इशू रिजॉल्व हो गया और उनमें इतना उसका एनवीएस लेवल इतना हाई नहीं है, उसमें इतनी नॉइज़ और वाइब्रेशन नहीं है उन कार्स में। बट हाँ, पहले की जो कार्स हैं जो BS6 फर्स्ट कंप्लाइंट वाली कार है उनमें ये वाइब्रेशन का इशू है थोड़ा बहुत, बट इतना भी नहीं है कि आप उसको एक मेजर पॉइंट बता सको। कैबिन काफ़ी हद तक साइलेंट है, हम अभी जो हम कार यूज़ कर रहे हैं उनका भी कैबिन काफ़ी हद तक साइलेंट है, बट जो नई कार्स आई हैं उनका और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो अच्छा, बात करते हैं यार, लोग का एक हमेशा कंसर्न रहता है टाटा की जब बात चलती है टाटा की सर्विस से लेके, अभी 2 साल हो गए, 2 साल में फेस किया सर्विस इशू सर्विस सेंटर से? कोई इशू सर्विस इशू तो कोई फेस नहीं किया है ऑलमोस्ट, जो भी कहते हैं वहाँ पे जो भी मेरे को कैसा है स्टाफ हेल्पफुल रहता है? हेल्पफुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स हेल्पफुल रहता है। अगर कोई आपका इशू है तो आप रेज करिए, सुनते हैं वो आपकी गाड़ी। ऑफ कोर्स मैं मेरी गाड़ी में इशू था, मैंने जो सेकंड सर्विस कराई थी तब मेरे को इशू आया था। मैं अपनी गाड़ी 3 बार लेके गया, उन्होंने 3 बार चेक करी, उन्होंने प्रॉपर चेक करा कि कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। उन्होंने एक बार मेरी कहते हैं मैंने जो आउटर आफ्टर
आफ्टर सेल्स में कुछ एसेसरीज लगाई थी, जस्ट कि पावर विंडो मेरी कहते हैं उससे लगी थी, तो उसके अंदर से कुछ कुछ मतलब मेरी बैटरी बैटरी उस फ्यूज का इशू आया था या यूज, वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने रिप्लेस करके दिया। ऑफ कोर्स सो मैं यही कहूंगा कि अगर आप देखें तो कहते काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, आपको डिस्काउंट भी देंगे। मैं यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटीज में सर्विसेज को लेके इतनी फाइट है नहीं, और सर्विस सेंटर्स ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर नहीं सुन रहे। मेट्रो सिटीज में मैंने अभी तक नहीं सुना किसी का एक्सपीरियंस खराब किया, सबका एक्सपीरियंस मेट्रो सिटीज में तो मैंने अच्छा ही सुना है। बाकी हो सकता है यार किसी ने पर्सनली फेस किया हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर आपने आपका एक्सपीरियंस खराब रहा हो सर्विस सेंटर का तो आप प्लीज मुझे बताइए, अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आपको फेस हुई है। उसके अलावा अगर यार हरीश मैं ये पूछूं कि यार एक टाटा की कार तुमने ले ली, तो क्या तुम अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हो कि टाटा की कार्स ले, या तुम्हें जब अगर अपग्रेड करना पड़े तो क्यों टाटा की तरफ जाओगे दोबारा? ऑफ कोर्स अगर मिलता है आगे चल के टाटा अपने इंजन को रिफाइन करता है और कहते हैं फिट एंड फिनिश पे और वर्क करता है, जाहिर है मैं दोबारा से टाटा की लूंगा कार। और तो, अगर बाकी कंपनियां इसकी जगह सेफ्टी में सेफ्टी की और सेफ्टी करती हैं तो मैं उनको भी कंसीडर करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें एक ही जगह स्टिक रहना चाहिए, हमें सब ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर कंपटीशन हम मार्केट में अच्छा बनेगा, किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, तो एक एंड कस्टमर को भी अच्छा प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। यस अब तो कंपटीशन होना जरूरी है, अच्छा एक्शन ले रही है कि आपको जैसे सेफ्टी फीचर्स एडअप करवा रही है, जस्ट लाइक सिक्स एयर बैग्स एंड अदर थिंग्स, क्योंकि ये सारे फीचर्स आप देखेंगे यूरोपियन एंड कहते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, यूएस कंट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड फीचर है, स्टैंडर्ड फीचर्स एंड वी कैन सी इन मारुति कार्स सेम काइंड ऑफ फीचर्स इन यूरोप एंड यूएस, बट इंडिया में नहीं देते हैं वो लोग। और ये होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फीचर्स होने चाहिए, सेफ्टी को पहला मेजर लाइक प्रायोरिटी रखनी चाहिए हर यूजर्स को भी और कंपनीज को भी, सेफ्टी और स्टैंडर्ड फीचर्स देने चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड फीचर्स। और जितने आप देखिए, आप कहते हैं हाईवेज इतने अच्छे बन चुके हैं जिन पे गाड़ियां 120 की स्पीड पे चलती हैं, और तो वहां पे आपकी सेफ्टी नहीं है तो आप समझ लिए आप कहते हैं खुद ही अपनी लाइफ के दुश्मन बने बैठे। एग्जैक्टली। सो हरीश यार अगर मैं ये पूछूं यार एक पॉइंट और मैं बोलूं कि तुम्हें क्या लगता है कि टाटा की कार्स में सब कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव? बहुत सी चीजें, किसी भी चीज में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। जाहिर है जैसे मैंने बताया कि अभी भी इसका इंजन रिफाइन नहीं है प्रॉपरली, मतलब इतना रिफाइन नहीं है, मैं 100% रिफाइन जिस तरह मारुति और हुंडई का रिफाइन है। इंजन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अभी भी इंजन और इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो सकता है, रिफाइन हो सकता है। जो मेन को मेरे को लगता है मेजर इशू वो आ लगता है इसका गियर बॉक्स के साथ। yes, कि टाटा की ऐसे नहीं की बात सिर्फ एक कार की भी बात कर रहे हैं, हम पूरे टाटा और के टाटा के सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। टाटा के प्रोडक्ट्स में गियर बॉक्स ऐसा है चीज जिसमें इम्प्रूवमेंट और अच्छी ला सकती है टाटा, और काम कर सकती है गियर बॉक्स में और स्मूथ बना सकती है अपने गियर बॉक्स को, बिकॉज हमने देखा है और कंपनीज के और ब्रांड्स के गियर बॉक्स जितना स्मूथ है टाटा में उतना स्मूथ गियर बॉक्स नहीं है, तो ये पॉइंट पे टाटा काम कर सकती है। बाकी जो चीजें हैं फिट एंड फिनिश इशू, ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही इसको सही किया जा सकता है, और ये छोटा है कोई बड़ा मेजर नहीं है पॉइंट, और इस पे इजीली कंपनी काम कर सकती है, आई गेस कर भी रही होगी, एंड हो सकता है होपफुली आने वाले प्रोडक्ट्स में हमारे को वो इशू भी देखने को ना मिले। सो गाइस यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे, हमारा एक्सपीरियंस टाटा के साथ एंड बिंग अ कस्टमर हम कितने सेटिस्फाई है टाटा के साथ, यही हमने आज इस वीडियो में शेयर किया है। ये हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू हमसे डिफरेंट हो, अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपको लगता है कि नहीं यार टाटा में और भी इश्यूज़ हैं जो शायद हमने ना बताए हों, तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी छोटी सी वीडियो थी इस वीडियो में गाइज, इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।